गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर क्लासेस, एसके क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसके क्लासेस में एनिमल किंगडम के बारे में। फुल डिटेल पढ़ेंगे आज हम लोग एनिमल किंगडम, ठीक है। तो देखिए एनिमल किंगडम होता क्या है इसके बारे में आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था एनिमल किंगडम, ठीक है, कि मैंने बताया था कि WHO ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके अनुसार 1969 में जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके अनुसार 5 किंगडम बनाए गए। पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और 5 था एनिमिलिया। उसी एनिमिलिया को एनिमल किंगडम कहा जाता है। उसी एनिमिलिया को क्या कहा जाता है? एनिमल किंगडम। तो चलिए हम आगे बात करते हैं इसी में। तो हमने आपको सभी पढ़ा दिया था और लास्ट जो था प्लांट किंगडम भी कर दिया था, उसका था एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम जो है, तो एनिमल किंगडम में को जो है ना 10 पार्ट में भागा गया, 10 फाइलम में बांटा गया, ठीक है। सबसे पहला एनिमल किंगडम का मतलब दुनिया के जितना भी एनिमल सारा एनिमल किंगडम में आता है, ठीक है। तो पहला था प्रोटोजोआ, जो सिलेंटेटा, पोरीफेरा, मोलस्का, नेमेटोडोड जिसको हेलमेंथिस कहते हैं, उसके बाद प्लेटी हेलमेंथिस, एनिलीडा, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा और लास्ट था क्रोडेटा, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हमने आपको बता दिया था, बारी बारी से डिटेल में सब कुछ बता दिया था, ठीक है। तो आइए हम आगे बात करने वाले इसके बारे में, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं इसमें। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे एनिमल किंगडम में, ठीक है। तो एनिमल किंगडम क्या है, इसमें 8-10 फाइलम थे जो कि हमने बताया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में बात करते हैं डिटेल से। सबसे पहला है प्रोटोजोआ, ठीक है। उसके बाद है सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, मोलस्का, नेमेटोडोट, हेलमेंथिस, प्लेट जिसको हेलमेंथिस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लेटी हेलमेंथिस, एनिलीडा, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, क्रोडेटा। हमने इस 9 के ऊपर एक अलग से एक फाइलम बना रखा है, ठीक है। अलग अलग वीडियो है डिटेल में, चाहे तो आप देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रोडेटा हम इस टॉपिक में क्रोडेटा हम डिटेल बताएंगे, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है मेरा क्या, तो एक बता देते हैं हम आपको प्लेटी हेलमेंथिस, ठीक है, सॉरी प्लेटी हेलमेंथिस नहीं, हेमिकॉर्डेटा। एक क्या बता देते हैं हम आपको, हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा क्या है, तो हेमिकॉर्डेटा जो है ना एक है जिसके अंदर एक एनिमल आता है जिसको कहते हैं ब्लेनोगोल्सस, ठीक है। ब्लेनोगोल्सस एक एनिमल आता है, ठीक है। ये सबसे बाद में बना है, एक नया फाइलम है, ठीक है। पहले जो है इसको सब फाइलम कहा जाता है, ठीक है। ये नॉन कॉर्डेट है, ठीक है। यह बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा चीज देखने के लिए मिलता भी नहीं है, ठीक है। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं इसके अनुसार। फर्स्ट है प्रोटोजोआ, हम थोड़ा स्पीडली और सिंपली हम खींचते चलेंगे, ठीक है। तो आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले और सबसे स्टार्टिंग प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ क्या है, तो प्रोटोजोआ को जो कार्लिनेस जो थे ना, जो कार्लिनेस ने प्रोटोजोआ को कोई फाइलम नहीं माना था, उन्होंने एक फाइलम में रखा था। लेकिन जब WHO ने इसका सपोर्टिंग किया तो WHO ने प्रोटोजोआ को क्या कह दिया, एक फाइलम बना दिया है, एक किंगडम बना दिया, जो कि हम किंगडम पढ़ते हैं मोनेरा किंगडम, ठीक है। तो देखिए प्रोटोजोआ क्या है, हमारा जो प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ वैसे को कहते हैं जो सबसे छोटा एनिमल होता है, सबसे साइज में छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, इनसेलुलर होता है, समझिए प्रोटोजोआंस, ठीक है। प्रोटोजोआंस का बेस्ट एग्जाम्पल है ये अमीबा, क्या है ये अमीबा, ठीक है। प्रोटोजोआंस का मैक्सिफाइड ये सीरोपोडिया है उसका, जिसके द्वारा वह चलता है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फूड वैक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रियल वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, हर अमीबा में एक न्यूक्लियस होता है। इसका एक वीडियो मैंने बनाया है एनिमल्स रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में, जो अमीबा का रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये मैंने डिटेल से बताया उसमें, ठीक है। तो ये देखिए एंडोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यही अमीबा होता है। अब मान लीजिए कि अमीबा को कुछ खाना हो तो खाएगा कैसे भाई, तो खाने के लिए तो इसके पास कुछ है ही नहीं है,
तो खाता कैसे है? देखिए अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे खाना है ना, बस एक कुदपाट को इसे फैलाएगा, इसे ऐसे इसे इसे सटा देगा, यहाँ पे सही अपना बना लेगा, ये खाना इसके अंदर आ गया बस। चलिए हम आगे पढ़ते हैं अब दूसरा की, राइट नंबर टू। जो दूसरा है हमारा सिलेंट्रेटा, ठीक है। देखिए सिलेंट्रेटा यहाँ पे ए होगा। चलिए सिलेंट्रेटा की हम बात कर लेते हैं। सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा वैसे एनुअल का है जिसके शरीर में सिलोम पाया जाता है, ठीक है। वैसे शरीर में पाया जाता है जिसको सिलोम पाया जाता है। इसके जो अधिकतर एनिमल्स होते हैं ना वो मेराइन होते हैं, बस कुछ एक्वेटिक भी होते हैं, एक्वेटिक बोले तो कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, लेकिन अधिकतर जो होते हैं वो मेराइन होते हैं, समुद्री या ओशियन में ही मिलते हैं। तो हमने इसके एग्जाम्पल उठाया हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? एक मेराइन है। हाइड्रा क्या है? मेराइन है, ठीक है। मेराइन मतलब कि समुद्र में रहने वाला, ठीक है। देखिए हाइड्रा क्या है, हाइड्रा के बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए हाइड्रा एक एनिमल है, ठीक है। हाइड्रा क्या है? एनिमल है। इसका जो ओरिजिन होता है वो एक ही जगह पर चिपका रहता है, एक ही जगह पे अपना लाइफ टाइम, एक ही जगह पे जहाँ पे जन्म लेता है वहीं पे मर जाता है, ठीक है। मैंने आपके लिए ये फ़ोटो इसलिए लगाया क्योंकि इस फ़ोटो में थोड़ा डिटेल से दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्या है। सर ये अमीबा का मुंह होता है, ये टेंटकिल्स है, यह है ये टेंटकिल्स। टेंटकिल्स की संख्या होती है 6। टेंटकिल्स की संख्या कितनी होती है? 6 फिक्स, ठीक है। ये टेस्टिस है, ये ओवरी है, ठीक है। ये एपिडर्मिस है, ये गैस्ट्रो वैस्कुलर एक्टिविटी है, जो कि आगे ये सब पढ़ना होगा आपका। एपिडर्मिस क्या है, एंडोडर्मिस, ये सब आगे पढ़ना है, ठीक है। ये मुँह के बारे में था ज़्यादा डिटेल गया है। एपिडर्मिस, ग्रेस्टोमिस्ट, मेजोयोला, ये सब जो है ना हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। जब मॉर्फोलॉजी जब पढ़िएगा ना तब आपको बताया जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात आपको यहाँ जानने लायक बात किया है, बस जानना है आपको, बस इतना जानने लायक है आपका। देख लीजिए ये जो होता है ना, यहाँ पे मुंह होता है, ये 6 टेंटकिल्स होते हैं। कितने टेंटकिल्स की संख्या? 6 होती है। सभी टेंटकिल्स पे निमाटोडोट्स पाए जाते हैं, छोटे 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 निमाटोडोट्स, जो कि जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, कांटा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद एक ये है, ये मैंने इसलिए बताया कि इसका जो ग्रोथ होता है ना, ये इसका जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो बर्डिंग होता है। बर्ड के द्वारा यहाँ से इसे निकलेगा, फिर कट के गिर जाएगा, ये नया एनिमल बन करके तैयार हो जाएगा हाइड्रा, ठीक है। चलिए हाइड्रा सिलेंट्रेटा के बाद हम बात करने वाले हैं अब अपने अगले क्लास के अगले फाइलम के बारे में, जिसका नाम है पोरीफेरा, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आप बुक खोलिएगा ना तो पोरीफेरा सबसे पहले आपको दिखाएगा, लेकिन हम अपना अपने तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। चलिए देखिए पोरीफेरा, मैंने ये साइकोन का पिक्चर लिया, मैंने किसका पिक्चर लिया है? ये साइकोन का, ठीक है। तो देखिए पोरीफेरा है क्या? पोरीफेरा एक फाइलम है, ठीक है। देखिए सिलेंट्रेटा में क्या होता था कि सिलोन पाया जाता था। सिलेंट्रेटा में जो है सो सिलेंट्रेटा, इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसके शरीर के अंदर सिलोन, सिलोन मतलब खाली जगह। उसी तरह जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा का नाम इसलिए पोरीफेरा पड़ा क्योंकि पोरीफेरा किससे बना है? पोर से। पोरीफेरा का मतलब पोर, पोरीफेरा का मतलब पोर यानी कि छेद, यानी कि देखिए इसके शरीर में बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे छेद हैं, ठीक है। और इसका भी ग्रोइंग जो है ना बर्डिंग के द्वारा होता है, इसी जन्म लेते रहता है, ठीक है। ये एक एनिमल है, अपन पूरा ज़िंदगी एक ही स्थान पर गुजार देता है, जहाँ जन्म लेते हैं वहीं पर मर जाता है, या तो पत्थर से चिपका रहता है या तो पत्ते से, ठीक है। ज़्यादा चांस होता है कि पत्थर से चिपका रहता है, ठीक है। क्या होता है ये, इसकी बॉडी है, पूरे बॉडी में पोर जगह आ जाते हैं। देखिए पोर स्पेल से, ये उसके फ्रिज है, ये कॉमन बेस है ये इसका, ठीक है। क्या होता है ना कि पूरा छेद है, सारा दिन पानी इधर से आता है, ये सब छेद में घुसते रहता है, और यहाँ पे एक बड़ा सा छेद होता है, ये मुँह के पास जो है ना इसे बड़ा सा छेद होता है, तो ये सारा पानी इस छेद से निकलते रहता है दिन भर। इसका यही काम, इधर से पानी घुसेगा और इधर से पानी निकलेगा ऊपर में, ठीक है। चलिए हम आपको आ जाते हैं तो, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? साइकोन। साइकोन है, इसमें ऑस्ट्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। पोरीफेरा प्रेजेंट होता है, मेराइन होता है,
और इस सब के बारे में हम आपको फिर से हम एक बार और बता देते हैं कि अगर इसके बारे में अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो मेरा पहले वीडियो बन चुका है, उस वीडियो को आप देखिए, डिटेल से आप जान जाइएगा। ठीक है, चलिए आइए हम आगे बात करते हैं पॉलीफेरा के बाद मोलस्का की। पॉलीफेरा के बाद हम बात करने वाले हैं मोलस्का की। ये है मोलस्का हमारा। मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ आवर वर्ल्ड। मोलस्का जो है ना वो सेकेंड सबसे लार्जेस्ट फाइलम है हमारे वर्ल्ड का। ठीक है, मोलस्का क्या है, सेकेंड सबसे लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, ऑक्टोपस आता है, पहला आता है। इसका कैरेक्टर क्या होता है, ये बॉडी के ऊपर एक सेल होता है जो कि सेल किससे ढका होता है, सेल कवर होता है। यह सेल किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। ठीक है, ये कुछ मेराइन भी होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल ऑक्टोपस और पाइला। ठीक है, ऑक्टोपस तो आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, लेकिन पाइला नॉर्मली सभी देखते होंगे। और ये फुल ऑफ प्रोटीन होता है। क्या होता है, दोनों फुल ऑफ प्रोटीन, हम इसको खा सकते हैं, हम इसको खा सकते हैं। ठीक है, जनरली लोग तो हमारे यहाँ है ना इस पाइला को तो खाते हैं, मतलब कि इस वाले को नहीं, ये तो बहुत बड़ा हो चुका है। इसके छोटा छोटा जो होता है ना, ठीक है, पाइला का जो छोटा पाइला होता है उसको हम लोग खा, हम लोग के यहाँ लगभग लोग को देखते हैं खाते हैं। ठीक है, भोजन के लिए, क्योंकि ये फुल ऑफ प्रोटीन होता है, फुल ऑफ प्रोटीन, सबसे बेस्ट प्रोटीन इससे मिलता है। ठीक है, और ऑक्टोपस को भी खाया जा सकता है क्योंकि ऑक्टोपस भी फुली प्रोटीन होता है। और मेरा जो बेस्ट एपिसोड चलता है मैन वर्सेस वाइल्ड में, बियर ग्रिल्स ऑक्टोपस को खाते हैं, ये मैंने देखा है। ठीक है, चलिए मोलस्का के बाद हम आते हैं हेलमेंथिस में। मोलस्का के बाद हम आते हैं हेलमेंथिस में, जिसको कि एस्क हेलमेंथिस भी कहा जाता है। ठीक है, मोलस्का के बाद हम लोग आते हैं हेलमेंथिस में। ठीक है, तो चलिए हेलमेंथिस है क्या। हेलमेंथिस पैरासाइटिक फाइलम है, पैरासाइटिक एनिमल का। हेलमेंथिस जो फाइलम है किसका है, पैरासाइटिक एनिमल का। देखिए ये स्केरिस लुब्रिकेटिस है, पैरासाइटिक एनिमल का फाइलम है, तो इसमें पैरासाइट मतलब कि दूसरे के शरीर में रह करके भोजन लेने वाला, तो ये स्केरिस है। ठीक है, जिसको कि हम लोग अपने गांव की भाषा में क्या कहते हैं, जोंक कहते हैं, जोंक। ठीक है, जिसको कि हम लोग अपने गांव की भाषा में क्या कहते हैं, जोंक कहते हैं। तो देखिए जोंक क्या है, ये फीमेल है और ये फीमेल है। ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, ये फ़ोटो मैंने गूगल से लिया है। ठीक है, गूगल से लिया है, बट आई डोंट माइंड कि ये गलत है, बल्कि ये फीमेल है। सॉरी, मैंने पहले फ़ोटो देखा नहीं, बार मैं ये लेता नहीं, और ये मेल है। ये जिस किसी ने भी लिखा है, डाला है वीडियो, वो मैं अब उनको कहूँगा कि ये फ़ोटो जो जिन्होंने भी डाला है वो गलत है। ठीक है, इस पर एक बार देख ले। ठीक है, तो क्या है, ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, इधर वो देखो, फीमेल का जो क्वालिटी है, तो फीमेल ऐसा मूरा होता है, फीमेल का नीचे वाला मूरा होता है, वो मेल से फीमेल मोटी होती है। फीमेल कैसी होती है, फीमेल फैटी होती है, नीचे हुक होता है फीमेल में। ठीक है, मेल में हुक नहीं होता है, मेल पतला होता है, मेल लंबा होता है, फीमेल छोटी होती है। ठीक है, और ये अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, और ये स्केरिस लुब्रिकेटिस, जिसको कि हम लोग अपने नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, जोंक कहते हैं। ठीक है, ये हेलमेंथिसिस है, जिसको कि एस्क हेलमेंथिस या नेमेटोडोट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए और एक और हम बात आपको बता दीजिए इसके बारे में, कि ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ह्यूमन में। कहाँ पर पाए जाते हैं, ह्यूमन में। हम लोग के शरीर में, खासकर छोटे बच्चे जो होते हैं, 10 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनके पेट में ये पाया जाता है, और हमारे ही शरीर को ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए ये हेलमेंथिस के बाद हम आगे बात करने वाले हैं प्लेटी हेलमेंथिस की। किसकी बात करने वाले हैं, प्लेटी, देखिए यही है प्लेटी हेलमेंथिस। करीब करीब 3 से 4 मीटर लंबा होता है, 3 से 4 मीटर। ठीक है, चलिए प्लेटी हेलमेंथिस क्या है। प्लेटी हेलमेंथिस सेम है हेलमेंथिस की, जो जब नाम है हेलमेंथिस तो प्लेटी हेलमेंथिस, अंतर है कि हेलमेंथिस जो होगा वो गोल होगा, प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी का मतलब पतला, प्लेटी का मतलब पतला, मतलब कि इसे चिपका हुआ, देख रहे हैं ना कैसे चिपका हुआ है। अरे घर में आप लोग के यहाँ तो ये होता होगा ना इंची टेप, जो भी हम लोग की माँ जो होती है वो कपड़ा सिलने के लिए जो यूज करती है पतला वाला, जिसको इंची टेप कहा जाता है,
सेम उसी तरह होता है प्लेटिहेलमिंथी, ठीक है। ये जो होता है टोटली पारासाइटिक होता है, बिल्कुल ही पारासाइटिक, मतलब कि दूसरे में से के शरीर में से लेके खाएंगे। हर्माफ्रोडाइट होता है ये, मतलब कि बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है, लंबा होता है, ठीक है। आगे ये देखिए हेड होता है, हेड ये क्या है, हेड है, हेड ऐसे होता है सकर की तरह, कलश देखें ना, कलश कलश की तरह होता है इसके हेड, ऐसे होता है इसके हेड ऐसे, ठीक है। यहाँ पे सकर निकला होता है और यहीं से ऐसे ऐसे ये बन जाता है, ऐसे 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 पार्ट में करते जाता है, ठीक है। देखिए इसका जो होस्ट है ये दो एनिमल के ऊपर कंप्लीट होता है, पहला है ह्यूमन, ठीक है, हम लोग के पेट में भी पाया जाता है, ये हो जाता है, ठीक है, और दूसरा है काऊ या पिग, यानी कि सुअर या गाय, सुअर या गाय, ये दो के ऊपर इसका लाइफ जो है ना डिपेंड होता है, और यही दोनों के बीच में इसका लाइफ ख़त्म होता है, ठीक है। और ये करीब करीब 3-4 मीटर लंबा हो जाता है हमारे पर्यटक के पूरे इंटेस्टाइन में। अब ये बात नहीं है कि एक ह्यूमन के पेट में बहुत सारा, एक ह्यूमन के पेट में कितने होते हैं, एक ही होते हैं, एक ह्यूमन के पेट में एक ही होंगे ना, तो बहुत सारा होगा तो पता चलेगा हम हमारा कहानी ख़त्म हो गई। और ये बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जब डॉक्टर को दिखाते हैं ना, तो डॉक्टर हमको क्या कहते हैं कि दवा देते हैं तो क्या होता है, ये कट कट के जो है ना ऐसे 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 कट कट के क्या होता है, गिरता है, तो इसके ऊपर अगर कट कट के हमारे एनस से हमारे मल द्वारा निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए इसका एक और एग्जांपल है जिसको कहते हैं हम लोग लीवर फ्लू, इसका एक और एग्जांपल है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं लीवर फ्लू। तो लीवर फ्लू कहाँ पाया जाता है, तो लीवर फ्लू पाया जाता है गाय में, ठीक है। तो लीवर फ्लू ऐसा होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है, थोड़ा सा इधर से निकला होता है, ठीक है, यहाँ पे एक गोल होता है, ठीक है, ऐसे टाइप का होता है लीवर फ्लू। ये कहाँ पाया जाता है, गायों में पाया जाता है। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं अपने अगले फाइलम की, जिसका नाम है एनीलिडा, जिसके फाइलम का नाम क्या है, एनीलिडा। हम किस फाइलम की बात कर रहे हैं, एनीलिडा फाइलम की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए एनीलिडा क्या, एनीलिडा एक्वेटिक फाइलम है, कैसा फाइलम है, एक्वेटिक, ये बाइसेक्सुअल होते हैं यानी कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। इसमें जो भी एनिमल होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, वो टेबल और केवल खून पे ही डिपेंड होते हैं, किस पे, खून पे। और मैमल्स में, पूरे मैमल्स में खून पाए जाते हैं, जितने कॉर्डेस हैं सभी कॉर्डेस में क्या होते हैं, खून पाए जाते हैं, सभी कॉर्डेस में क्या पाए जाते हैं, खून पाए जाते हैं। तो ये टोटली किस पे होते हैं, खून पे डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर इस एनिमल को आप रेनी सीजन में देखिएगा, ठीक है। ये हमारा क्या अर्थवॉर्म, क्या है अर्थवॉर्म, इसका एग्जांपल अर्थवॉर्म। इसके में लीच भी आता है, लीच जिसको कि हम लोग जोंक कहते हैं, जोंक जोंक जो हम लोग का खून चूसता है ना, पानी में पाया जाता है जोंक, ठीक है। देखिए दोनों जोंक मैंने एक एस्केरिस बताया था जोंक, वो दूसरा जोंक है और ये दूसरा जोंक है, ठीक है। एस्केरिस जो होता है ना वो हमारे पेट में रहता है, और ये मैंने लीच जो बताया ना कि जोंक होता है, ये जोंक हमारे पेट में रहता है बल्कि हमारे शरीर में, हमारे पानी में रहता है, और पानी में जब हम उतरते हैं गंदगी वाले में तो हमारे पैर में घुस करके हमारे पैर का खून चूस लेता है, ठीक है। एक ठेंगे टाइप का भी होता है कुछ, वो भी खून हम लोग का चूस लेता है, पी लेता है, ठीक है, जिसका लीच का बलच का हिरोडिनारिया स्पेसिस है, ठीक है। चलिए हम अर्थवर्म की बात करते हैं, अर्थवर्म क्या है, प्लेटिना पोस्टिमा। तो अर्थवर्म को कहा जाता है कि किसानों का मित्र कहा जाता है, फार्मर फ्रेंड ऑफ फार्मर, ठीक है। अर्थवर्म को क्या कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर, क्योंकि ये हमारे सॉइल को क्या कहते हैं, फर्टाइल कहता है, ठीक है। हमारे सॉइल को क्या कहते हैं, अर्थवर्म फर्टाइल कहता है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करने वाले हैं इसके बाद एनीलिडा में, बस इतना ही है। और इसके बाद हम क्या, हम लोग अगला जो बात करने हैं वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा क्या, तो इकाइनोडर्मेटा जो है वो फाइलम है, वो टोटली मैराइन होता है। इसका बॉडी जो है ना 5 आर्म में बटा होता है, कितने आर्म में बटा होता है, 5 आर्म में, जस्ट लुक लाइक अ स्टार, लुक लाइक अ स्टार। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है स्टार फिश, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, स्टार फिश, ओके। चलिए क्या होता है ना कि इसके जो भी होता है, यहाँ पे इसके माउथ प्रेजेंट होते हैं इसके बीच में, ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे इसके
माउथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यही एनस यहाँ पे दिखा रहा है, माउथ यहीं पे होते हैं, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का पिक्चर हो गया है, ठीक है। इसके बारे में आपको आगे से यही जगह पे क्या होता है, माउथ होता है उसका, ठीक है। उसके बाद ये इसके पांच आर्म होते हैं, पांचों आर्म में क्या होते हैं ना, ये यहाँ पे क्या होता है, एनाटॉमी वगैरह सब बता दिया है, जो कि 12th में आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। देखिए पूरे पे क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं, पूरे पे क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं, ठीक है। यानी कि कांटे होते हैं, जिस जो कि चुभ जाते हैं और दूसरा मर जाता है, ठीक है। इनका जो डेवलप होता है वो किसके द्वारा होता है, एक के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करने वाले आर्थ्रोपोडा की। नेक्स्ट किसकी बात करने वाले, आर्थ्रोपोडा। इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द वर्ल्ड, ये सब दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम है। इस फाइलम में पूरा दुनिया में जितने एनिमल है ना, जितने लगभग 75 से 80% एनिमल जो है ना इसी फाइलम में, 75 से 80% एनिमल सारे कहाँ हैं, इसी फाइलम में, यानी कि आर्थ्रोपोडा से। यानी कि जितने भी कीड़े हैं सब कीड़े कहाँ जाते हैं, आर्थ्रोपोडा से हैं, ठीक है। देखिए इसका जो बॉडी होता है वो तीन पार्ट में बताता है, हेड होता है, दूसरा होता है एब्डोमेन और थॉरेक्स, हेड थॉरेक्स और एब्डोमेन, ऐसे तीन पार्ट में इसका पूरे बॉडी डिवाइड होता है, ठीक है। इसके और एक और इसके अंदर कंपाउंड आई पाई जाती है, जिसमें भी बहुत सारे लेंस होते हैं। हम लोग के आँख में कितना लेंस है, एक ही लेंस ना, बट इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लेंस पाए जाते हैं, ठीक है। इनका जो शरीर, इनका जो लाइफ है वो 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। इनका लाइफ कितने स्टेज में कंप्लीट होता है, 4 स्टेज में। इनका लाइफ कितने स्टेज में कंप्लीट होता है, 4 स्टेज में, ठीक है। 4 स्टेज में इनका लाइफ कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेज है एग, ठीक है, एक मिनट। जब सबसे पहला, ठीक है, पहला क्या है, एग, फिर लार्वा बनता है, ठीक है, फिर प्यूपा बनता है, और लास्ट में तब जाके एडल्ट ये होता है, तब जाके बटरफ्लाई जो है ना वो बटरफ्लाई बनती है। बटरफ्लाई बटरफ्लाई कैसे बनती है, ये जो एक्चुअली में ये बटरफ्लाई नहीं बल्कि एक सिल्क वर्म है, एक्चुअली में क्या है, सिल्क वर्म है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से डिटेल वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। हम बात करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जिसकी बात हम करने वो है कॉर्डेट्स। वो क्या है, कॉर्डेट्स, जिसके बारे में आज हमने यहाँ पे चर्चा किया है। तो कॉर्डेट्स है क्या, चलिए कॉर्डेट्स के बारे में जानते हैं। कॉर्डेटा एक स्पेशल फाइलम है जिसके एक अंदर हम लोग आते हैं। कॉर्डेटा क्या है, ये फुल्ली डेवलप फाइलम होता है, बाकी सब फाइलम डेवलप नहीं है, लेकिन ये फाइलम क्या होता है, फुल डेवलप, परिपूर्ण हर चीज़ से, ठीक है। इसके अंदर नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, नोटोकॉर्ड, जिसको कि हम लोग नोटोकॉर्ड, हमको बेकार हम एनाटॉमी पिक्चर ले, हमको मॉर्फोलॉजी पिक्चर लेना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको डिटेल में समझा देंगे इसी में। देखिए जो भी कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स आर 5 टाइप्स, कॉर्डेट्स आर डिवाइडेड इन 5 टाइप्स। एक मिनट हम आपके लिए एक पेज ले लेते हैं, ठीक है, हम आपके लिए एक पेज ले लेते हैं। चलिए कॉर्डेट्स आर डिवाइडेड इन 5 टाइप्स, ठीक है। कॉर्डेट्स कितने टाइप में डिवाइड होते हैं, 5 टाइप्स में, ठीक है। इसका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड, जिसको कि बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी कहते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको कि रीढ़ की स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। केवल केवल कॉर्डेटा में होगा प्रेजेंट, बाकी किस नाव का नाव किसी भी फाइलम में नहीं होगा नोटोकॉर्ड, ओके। नंबर टू, इसका जो शरीर होता है फुल्ली स्किन से कवर होता है, पूरा शरीर किससे कवर होता है, स्किन से। तीसरा, इसका जो ऑर्गन होते हैं वो फुल डेवलप होते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें जो होता है ना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाएगा इसमें, बाकी किसी फाइलम में हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा आपको, बट इसमें आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद किसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ब्लड में, बाकी किसी फाइलम में यही कहना है। बाकी 9 फाइलम में से किसी फाइलम का एनिमल ले लीजिए, उसका ब्लड आपको लाल नहीं मिलेगा। बाकी 9 फाइलम में से किसी भी फाइलम का ले लीजिए, उसका ब्लड आपको लाल नहीं मिलेगा कॉर्डेट्स को छोड़कर। ठीक है, आगे आइए। बॉडी जो होता है बोन से बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, हार्ट लीवर इसमें प्रेजेंट होता है, जितने कॉर्डेट्स है सब में, चाहे वो सांप हो गया, चाहे वो क्या बोलते हैं मछली हो गई, पक्षी हो गया, या कुत्ता बिल्ली शेर बाघ जो हो गया, सब में क्या होता है लीवर प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन इसमें 5 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनली क्या होते हैं, इसमें ईयर होते हैं, नोज होते हैं, वो सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एनिमल जो होते हैं ना, कुछ स्केली होता है, कुछ हेयरी होता है। ठीक है, और इसका जो हार्ट होता है वो 3 और 4 चैम्बर में बटा होता है। किसमें बटा होता है, किसी का 3 होता है, किसी का 4 होता है। और इसका मेन जो होता है ना 5 क्लास में, इसका 5 क्लास है, कितने क्लास है 5 क्लास। नंबर 1 है एम्फीबिया, रिप्टिलिया, पिशेस, मैमेलिया, एप्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपसे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं इसमें कॉर्डेटा के एग्जांपल के बारे में। ठीक है, देखिए कॉर्डेटा यही है, कॉर्डेटा हमारा, कॉर्डेटा का एग्जांपल जस्ट हम ह्यूमन, जस्ट ह्यूमन। क्वालिटी देख लीजिए क्या है, क्वालिटी तो लिखना, क्वालिटी देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले हड्डी होगा, इसमें क्या होगा, हड्डी होगा, लंग्स, ब्लड वेसल, स्टमक सब प्रेजेंट होगा। बॉडी फुल डेवलप होगा, नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ नोटोकॉर्ड के बाद, इसके जो ब्लड होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसके ब्लड रेड होते हैं। ठीक है, और इनका बॉडी क्या होता है, फुल्ली डेवलप होता है। और इसके 5 टाइप्स है, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके पूरे फाइलम के बारे में डिटेल से, एकदम अच्छे से। ठीक है, जब तक के लिए गुड बाय।